हेलो सीएम योगी सर, मैं संगीता बोल रही हूँ। योगी बोलते हैं, संगीता बताइए क्या समस्या है आपकी। संगीता बोलती हैं, सर प्राचार्य मुझे नियुक्ति नहीं दे रहे। योगी कहते हैं, अगले 2 घंटे में आपको नियुक्ति मिलेगी। भावुक संगीता की 24 घंटे में जिंदगी बदल गई। ये बातचीत सीएम योगी और एक शिक्षिका के बीच की है। कल्पना कर सकते हैं आप कि सीएम के फोन के बाद क्या हुआ होगा, कितने जेल गए होंगे और कितनी देर में संगीता को नियुक्ति मिल गई होगी। योगी आदित्यनाथ के एक फोन के बाद एसपी डीएम सबके हाथ पांव फूल गए। हाफते हुए संगीता की नियुक्ति हुई। कौन है संगीता और कैसे योगी से बात हो गई, योगी के आदेश के बाद क्या हुआ, सब कुछ आपको समझाते हैं। दरअसल सीएम दूसरी बार शपथ लेने के बाद सही एक्शन में है, फोन पर भी लोगों की मदद कर रहे हैं। कुशीनगर के बाबर की माँ से बात की तो कहा कि मैं आपका दूसरा बेटा हूँ, और बुलंदशहर की संगीता से बात की तो कहा जब तक मैं हूँ तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आपको सुनाते हैं पूरा किस्सा। पीड़ित महिला का नाम है संगीता सोलंकी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षा पास करने के बाद उनकी नियुक्ति नहीं हो रही थी। मेरठ के भागीरथ कन्या इंटर कॉलेज में उनकी नियुक्ति होनी थी, लेकिन प्रबंधन संगीता से रिश्वत की मांग कर रहा था। संगीता दर बदर नियुक्ति पत्र लेकर घूमती रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर जो हुआ उसका अंदाजा ना तो संगीता को था, ना ही रिश्वतखोर प्रबंधन और लिपिक को था। संगीता के लिए सीएम योगी का फोन बजेगा। संगीता सोलंकी आम इंसान है, ना ही कोई राजनीतिक कनेक्शन, ना ही कोई अधिकारियों से कनेक्शन। योगी आदित्यनाथ फोन पर थे तो संगीता की जिंदगी का दर्द 24 घंटे में खत्म हो गया। रविवार को संगीता ने मुख्यमंत्री कार्यालय में फोन किया। एक अधिकारी ने फोन उठाया, संगीता की बात हुई और फिर सीएम सर से उनकी बात करवाई गई। संगीता जब फोन पर आई तब कहा, हेलो, मैं बुलंदशहर से संगीता सोलंकी बोल रही हूँ। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। सीएम सर से निवेदन है कि मुझे कार्यभार ग्रहण कराने का कष्ट करें। मुझे नियुक्ति देने के बजाय प्रबंधक मुझसे रिश्वत मांग रहा है। इतना सुनते ही योगी आदित्यनाथ गुस्से से लाल हो गए। रिश्वत की बात से योगी वैसे भी नाराज हो जाते हैं, और संगीता को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। कुछ घंटे में ही संगीता को न्याय मिलेगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल प्रभाव से मेरठ के आला अधिकारियों को शिकायत का निस्तारण करने के निर्देश दिए। रविवार को संगीता के सीएम से बात हुई। सोमवार को संगीता की ज्वाइनिंग के लिए मेरठ के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए, और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई के साथ संगीता की नियुक्ति भी हो गई। दरअसल विधानसभा में अपनी शपथ से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महिला मुद्दों पर संवेदनशीलता दिखाई दी, जिसका एक नायाब उदाहरण बनी बुलंदशहर की संगीता सोलंकी। और उम्मीद जगी कि संगीता सोलंकी की तरह ही प्रदेश भर की महिलाओं की समस्याओं का निदान भी उतनी ही तेजी से होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगी सरकार 2.0 के गठन के बाद आयोजित हुई बैठक में भी प्रदेश की महिलाओं और बेटियों के सशक्तिकरण और उनके कल्याण से जुड़ी बातों पर जोर दिया था, जिसका साफ संकेत है महिलाओं की सुरक्षा के साथ योगी इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि उन्हें कोई परेशान करे तो वो जेल भेजा जाए। अब सवाल उठता है कि आप योगी से बात कैसे कर सकते हैं। दरअसल कई लोग इंटरनेट पर सीधे सीएम का नंबर खोजते हैं, जबकि अगर आपको कोई शिकायत है तो मुख्यमंत्री कार्यालय के नंबर पर फोन कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ कम मामलों में बात करते हैं, लेकिन अगर बात में दम है तो आपके साथ सीएम सर लाइन पर भी हो सकते हैं। यूपी में महिला सुरक्षा के दम पर सरकार की वापसी हुई, मतलब साफ है बीजेपी सरकार इस बार और ज्यादा एक्शन मोड में होगी, ताकि योगी सरकार में उन लोगों का भरोसा बढ़ सके जो अब तक सत्ता या सरकार के दायरे पर भरोसा नहीं करते थे। इसलिए योगी ने कुछ दिन में यह साफ कर दिया है कि वो इस बार अलग अंदाज में है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।